कर दोस्तों, मैं हूं शरत। आप देख रहे हो आप ही का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, आज ही का दिन में हम लोग करेंगे चर्चा जो कि नोमुरा बिग बुलिश हो चुका है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर। एंड ऐसा कौन सा शेयर को लेकर ये काफ़ी बुलिश दिख रहे, ये 14 शेयर जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी इसमें है, तो ये शेयर को लेकर काफ़ी बुलिश है नोमुरा। तो करेंगे यही छोटी सी वीडियो में चर्चा करिए। चलिए करते स्टार्ट। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे तरफ से डिस्क्लेमर है ना, हमारा कोई भी शेयर को लेकर आप लोग को बाइंग, सेलिंग, होल्ड करने का राय है। हम ओनली एंड ओनली एजुकेशन बेसिस में आप लोग को प्रोवाइड करते हैं वीडियो। और अगर आपने हमारा वीडियो देखकर सुनकर अगर कोई भी कदम उठाते तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, नहीं तो आपका सलाहकार कोई भी, नहीं तो खुद ही आप एनालिसिस करते होंगे तो उसी की दम पर कोई भी कदम उठाइएगा। और आप चाहते हो हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप मेंबरशिप जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहते हो, तो एंजल वन में हमारा लिंक थ्रू एक न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारे साथ में हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप मेंबर बन सकते हो। नहीं तो अपस्टॉक्स में भी हमारा लिंक थ्रू एक न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारे साथ में लाइफ टाइम मेंबरशिप बन सकते हो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक को आप जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप में आपको क्या मिलेगा ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक के जीरो टू हीरो कॉल, ऑल कॉल आपको ऑप्शन का मिलेगा जो कि हमारे साथ में मिलकर काम करना है, सीख कर काम करना है। छोटा अमाउंट में काम करके आप अच्छे से अच्छा एक हेल्दी रिटर्न बना सकते हो ईयर बेसिस में। काफ़ी सारा हमारा जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, नोमुरा को लेकर शायद ज़्यादा जानकारी नहीं रखे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले देखेंगे नोमुरा है कौन और ये क्या काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के सामने मैं लेकर आया हूँ, नोमुरा एक फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है एंड ये क्या करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। एंड ये ब्लेस किधर है ना, जापान टोक्यो में है। एंड साथ ही साथ ये इसका एम्प्लॉय देखोगे तो 26,000 स्टाफ है वर्ल्ड वाइज है। एंड ये हांगकॉन्ग, लंदन एंड न्यूयॉर्क इंटरनेशनल यूएस वगैरह में इनका ऑफिसेस वगैरह भी है। सबसे पहले बात करेंगे नोमुरा बुलिश क्यों है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर ना। नोमुरा देख रहा है Q3 का हमारा जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट काफ़ी आया शानदार। ये देखकर नोमुरा ने सबसे पहले निफ्टी को किया है जज एंड निफ्टी का टारगेट 2024 तक ये अपसाइड दे रहा है 25,000 का एंड विल फॉल बिलो 20,000 का भी ये बता रहे हैं। एंड नोमुरा ने कौन सा सेक्टर का ऊपर ज़्यादा काफ़ी चर्चा करता है ना, आप देख सकते हो नोमुरा ने शॉर्ट टर्म कंसर्न को लेकर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर में। एंड फाइनेंशियल में बैंकिंग भी सेक्टर आता है, आपको मालूम होगा, हेल्थ केयर के ऊपर, कंज्यूमेबल ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर, सीमेंट ऊपर, पावर ऊपर, कोल ऑयल एंड गैस का ऊपर एंड टेलीकॉम का ऊपर, ये सब सेक्टर को लेकर नोमुरा ने बहुत बुलिश दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को और बताऊंगा जो कि नोमुरा का जो एनालिसिस्ट आप लोग के सामने मुखर्जी एंड ज्योति दास एंड एलम, ये तीनों ने जो रिपोर्ट निकाले, रिपोर्ट की बोलना है जे ये कौन सा स्टॉक के ऊपर बुलिश है उसका ऊपर करेंगे चर्चा। फ्रेंड्स, ये सब नोमुरा का ही है, आप लोग के सामने मैं न्यूज़ को खाली आपका सामने पर्दाफाश कर रहा हूँ, ना कि हमारा इसमें कोई बाइंग सेलिंग होल्ड करने का राय आपको नहीं है। नोमुरा का जो पीक है आप लोग के सामने मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। देखिए, नोमुरा टॉप पीक के लार्ज कैप का जो शेयर लेकर आए हैं आप लोग के सामने मैं बता रहा हूँ। टॉप पीक लार्ज कैप में ICICI बैंक को चुन रहे, गोदरेज कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T एंड रिलायंस इंडस्ट्री, ये टॉप लार्ज कैप कंपनी के ऊपर वो दाव लगा रहे हैं। एंड स्मॉल टू मिड कैप कंपनी का ऊपर जो दाव लगा रहे हैं आप लोग के सामने, कोफोज, लूपिन, मेड प्लस, डालमिया भारत, फेडरल बैंक, सनसेरा इंजीनियरिंग का ऊपर भी वो दाव लगा रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोग को अभी भी बोला, लार्ज कैप में आप क्या देख सकते हो, SBI, ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्री एंड L&T, लार्सन एंड टूब्रो। ओके, स्मॉल टू मिड कैप कंपनी में लूपिन, मेड प्लस है, फोर्टिज हेल्थ केयर है, सनसेरा इंजीनियरिंग है, डालमिया भारत, फेडरल बैंक, वोल्टास, फाइव स्टार
बिजनेस फाइनेंस के ऊपर ये दिखा रहे हैं, दम दिखा रहे हैं जे ये कंपनी में कुछ अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ वो किसको लेकर ना, जोमैटो को लेकर भी काफ़ी बुलिश है। वो जो हिसाब से देख रहे हैं जो जोमैटो का जो अर्निंग आया Q3 का, आगे चल के वो डेट फ्री हो जाएगा, इसलिए जोमैटो का ऊपर भी वो दाव लगा रहे हैं। एंड साथ ही साथ SBI का ऊपर जो दाव लगा रहे हैं, ये उसमें क्या कर रहे ना, इंडोसिन बैंक को निकाल के SBI का ऊपर वो दे रहे दाव। तो ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, LIC को लेकर भी बहुत बुलिश है, बट वो कुछ ऐसा कुछ टारगेट नहीं बताए, कुछ बोले भी नहीं। बट ये जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर आप दाव लगाकर आप भी एक अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो, अगर आपका लेवलिंग प्राइस जो कि बाइंग प्राइस सही हो तो। अगर आप एक मिडिल टू लॉन्ग टर्म जो कि इन्वेस्टर हो तो आप इसका ऊपर ध्यान दे सकते हो, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपका सलाहकार का सलाह लेकर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटी सी अपडेट आप लोग के सामने पेश किए। अगर आप चाहते हो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखने के लिए, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला घंटे आइकन को ऑन करके रखें, जिससे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।